हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स। और ये जो नंबर्स हैं ये हमारे बॉडी सिस्टम से रिलेटेड हैं। बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें टोटल वो चीज़ें यानी कि कितने नंबर्स में होती हैं, वो ऑर्गन की बात कर लें या हड्डियों की बात कर लें, मसल्स की बात कर लें, दांतों की बात कर लें, जिसमें भी मर्जी की, तो ये सब नॉर्मल नंबर्स हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हैं बोन्स। तो 206 जो है हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं, ये हम पाँचवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से आपने भी इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट है मसल्स। तो मसल्स होती हैं 639। टोटल जो मसल्स हैं इनका नंबर है वो 639 होता है। नेक्स्ट है किडनी। तो दो हमारे शरीर में किडनियाँ होती हैं, ये आपको पता है। और एक किडनी जैसे कि डोनेट भी अगर कोई कर दे तो फिर वो एक किडनी पे भी जीवित रह सकता है पर्सन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मिल्क टीथ। तो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, वैसे तो 32 होते हैं, टोटल जो दांत होते हैं 32 होते हैं। कहते हैं ना 32 की 32 तेरी तोड़ दूंगा, लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, मिल्क टीथ। हमारे शरीर में रिब्स जो होती हैं वो 24 होती हैं, टोटल 24 हैं लेकिन 12 नंबर में होती हैं, इस तरह से होती हैं ये, इस तरह से, ठीक है। यानी कि इधर भी 12 और इधर भी 12, थोड़ा सा ये ऐसा हो गया, अब बनाती हूँ मैं। तो ये इधर भी 12 नंबर में होंगे, इस साइड भी और इस साइड भी 12, तो ये टोटल 24 होती हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये मेरे लिए। तो कहाँ हमने एक से शुरुआत करी थी, यानी कि ज़ीरो से करी थी, फिर एक दो और बूंद बूंद करके जैसे घड़ा बढ़ता है उसी तरह से आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया सच में। उसके बाद है नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स। तो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं ना वो 4 होते हैं, आपको पता होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टरी। सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो अयोटा होता है, हार्ट से निकलता है, अयोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी और वेन में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आर्टरी और वेन अलग अलग है। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो कि 120/80 mmHg होता है, ये इसकी यूनिट आपको पीछे जो लिखते हैं हमको याद रखना होता है ये। नेक्स्ट है ब्लड का पीएच। देखो ब्लड का पीएच कोई आपसे अगर एक पूछ ले तो 7.4 बताते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि हमने तो पढ़ा है कि भाई 7.35 से 7.45 तक होता है, ये भी सही वैल्यू है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कोई एक वैल्यू आपसे पूछ ले तो 7.4 आपको फिर आंसर देना होता है। नंबर ऑफ वर्टिब्रे, जो वर्टिब्रे होती है हमारी स्पाइन में वो 33 होती है। देखो कितना आसान ही याद करने में, वर्टिब्रे 33 है ना। उसके बाद है नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन नेक, नेक की बात ही चल रही है, यानी कि सर्वाइकल। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है वो 7 होती हैं, नेक की पूछी इन्होंने, हमारी गर्दन में सर्वाइकल है, सर्वाइकल वर्टिब्रे है, उससे नीचे फिर थोरासिक, लंबर, सैक्रम, कुकिक, तो ये अलग है, लेकिन नेक की पूछी है तो 7। उसके बाद नंबर ऑफ़ बोन इन मिडल ईयर, मिडल ईयर में 6 बोन होती है। नंबर ऑफ़ बोन इन फेस, फेस में 14 बोन्स टोटल होती हैं, 14। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर ऑफ़ बोन इन स्कल, तो 22 बोन्स हमारे स्कल में होती हैं। नंबर ऑफ़ बोन इन चेस्ट, तो चेस्ट में हमारे जो बोन्स होती हैं वो 25 होती हैं टोटल। यानी कि आप सोच सकते हो कि 206 जो हड्डियाँ हैं वो ऐसे ही नहीं हैं, वो हर एक जो यानी कि सिस्टम है, जैसे कि फेस है, हमारा चेस्ट है, हमारी लेग्स हैं, आर्म्स हैं, इन सबको मिलाने के बाद वो पूरी 206 बनी है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ बोन्स इन चेस्ट 25, नंबर ऑफ़ बोन इन आर्म, तो आर्म में हमारी 6 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ मसल्स इन ह्यूमन आर्म, जो ह्यूमन आर्म है उसमें 72 मसल्स होती हैं, टोटल तो हमने पढ़ी थी 639 होती हैं, लेकिन जो आर्म में मसल है वो 72 हैं। नंबर ऑफ पंप इन हार्ट, तो दो बार पंप हमारा हार्ट करता है, यानी कि वैसे एक मिनट की बात करें तो बहुत बार करेगा, लेकिन पंप की बात पूछे, नंबर पूछा है तो वो 2 है, ठीक है। उसके बाद है लार्जेस्ट ऑर्गन इन, लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो स्किन है, लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे कोई पूछ ले तो वो लीवर है, और कई बार आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन, आपसे इंटरनल ऑर्गन पूछ लेते हैं तो फिर आपको लीवर का नाम लिखना है, लेकिन इन्होंने लार्जेस्ट ऑर्गन सिंपल लिखा है, इसीलिए इसका आंसर स्किन आएगा। अगर इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करें तब एक्सटर्नल में स्किन आता है और इंटरनल में लीवर आता है, समझ गए ना आप मेरी बात। ये देखिए नेक्स्ट आ गया है हमारा, जो मैंने आपको बताया था अभी, लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि लीवर है।
कई बार लार्जेस्ट ऑर्गन इंटरनल पूछ लेते हैं तब भी लीवर का नाम आता है। बिगेस्ट सेल फीमेल में तो वो ओवम है। देखिए बिगेस्ट जो सेल है ना वो फीमेल में ओवम होता है, बट वो मेल में नहीं होता है। और अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो फिर वो स्पर्म होता है जो कि मेल में होता है। वैसे अगर आपसे कोई बिगेस्ट सेल पूछ ले तो फिर आपको न्यूरॉन बताना होता है। क्या बताना होता है? न्यूरॉन। अगर आप सिंपली कोई पूछ ले ना ही फीमेल ना ही मेल, क्योंकि वो मेल में नहीं आएगा ओवम, और फिर जो स्पर्म है वो फीमेल में नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर कोई लार्जेस्ट सेल बिगेस्ट पूछ ले आपसे सेल, तो फिर आप न्यूरॉन का नाम सिंपली दोगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन जो है वो हमारे कान में होती है, जिसका नाम स्टेप्स होते हैं, ये ईयर में होती है। फर्स्ट ट्रांसप्लेसेंटल ऑर्गन जो कि हार्ट है। ट्रांसप्लेसेंटल ऑर्गन क्या है? फर्स्ट जो पूछा गया है यहाँ पे वो होता है हार्ट। नेक्स्ट जो है वो है लेंथ, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की ही लेंथ पूछी गई है। तो कहने में तो स्मॉल है ये, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा होती है, और ये 7 मीटर की होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर की होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दोस्तों ये काफ़ी लंबी होती है, 7 मीटर, 5 से 7 मीटर तक हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, तो 2.6 kg, या फिर आप इसमें 2.5 से लेकर 3 kg तक भी लिख सकते हो। उसके बाद है पल्स रेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है, दिल जो है वो धड़कता है। यहाँ पर अगर और भी बात करें तो 60 to 100 भी हम बीट पर मिनट भी हम नॉर्मल बताया जा सकता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस में लिखते हैं, और 98.4 degrees Fahrenheit में लिखा जाता है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान। ब्लड वॉल्यूम जो कि 4 से 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम यानी कि हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है अगर हम लीटर की बात करें। वैसे अगर आपको पता ही होगा कि 12 से लेके 14 या फिर 16 तक ग्राम पर डीएल तक भी इसकी वैल्यू जा सकती है, अगर ग्राम पर डीएल में लिखते हैं तो। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डे, ये हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं, अनॉटमी में हमको पढ़ना होता है ये, तो ये शायद आपको इसके बारे में पता होगा। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 10 से 15 दिन, ये बहुत ही कम दिन के लिए है। प्रेगनेंसी पीरियड तो ये 280 दिन का पीरियड रहता है, और 40 वीक्स का ये पीरियड होता है, 36 to 40 weeks भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन फुट जो कि 33 होते हैं। नेक्स्ट है बोन इन ईच रिस्ट जो कि 8 होते हैं, कार्पल बोन, मेटाकार्पल, फेलेंजियस तो आपने सुना होगा, पैरों में भी उसी तरह से होता है। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन इन हैंड, हमारे हाथों में 27 टोटल बोन होती है। रिस्ट की बात करी है ना, रिस्ट की बात में हम कार्पल की बात करेंगे जिसमें कि 8 आती हैं, वो भी अलग अलग नंबर से आती हैं। हैंड की पूरी बात करेंगे तो हैंड में आता है कार्पल, मेटाकार्पल और फिर फेलेंजियस। तो हमने हाथ की पढ़ ली। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि थायराइड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात यहाँ पे करी गई है। आपको ध्यान में रखना है कि ग्लैंड कौन सा पूछा गया है, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि थायराइड है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो कि स्प्लीन है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि सेरिब्रम है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम जो है वो बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो कि फीमर है। स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिस मिडल ईयर, ये हमने अभी पढ़ा था, नहीं वो बोन पढ़ी थी सॉरी। मसल जो है वो स्टेपेडियस है, मिडल ईयर में ये होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट बोन भी कान में है और मसल भी हमारे कान में ही है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि 46 होते हैं, और ये 23 pairs में होते हैं, 23 pairs में होते हैं ये टोटल, जो अगर आपसे कोई पूछे तो 46। नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन इन न्यू बॉर्न बेबी तो 306। देखिए अगर तो नॉर्मल बोन आपसे पूछे तो 206 हैं, लेकिन 300 से 306 के बीच में, मतलब इसकी रेंज, किसी बुक्स में आप 300 पढ़ोगे, किसी बुक्स में आप 306 पढ़ोगे, तो न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसमें बोन्स ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जो होती है ना बोन्स, वो फ्यूज़ हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि वो एक अलग सिस्टम रहता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड तो 4.5 से 5.5, ये ब्लड की विस्कोसिटी है, क्योंकि ब्लड जो होता है ना वो चिपचिपा होता है, तो उसका वैल्यू पूछा है इसमें। उसके बाद है यूनिवर्सल डोनर, तो जो कि ओ नेगेटिव वाला होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, तो ये इसमें खासियत है, लेकिन वो बेचारा ले नहीं सकता है, लेने के लिए फिर उसको वही चाहिए अपने वाला।
यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ए बी पॉजिटिव वाले हैं, ए बी पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। लार्जेस्ट WBC तो वो है मोनोसाइट। WBC के भी फर्दर चार टाइप होते हैं, तो मोनोसाइट उसमें लार्जेस्ट होता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स, तो ये अलग अलग इसके आगे सेल आते हैं, बट WBC का जो है मोनोसाइट वो लार्जेस्ट है। उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट जो है वो लिम्फोसाइट है WBC का। इंक्रीज RBC काउंट कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, जब RBC का नंबर बढ़ जाता है तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। देखो अनीमिया क्या होता है, अनीमिया में खून की कमी होती है, क्या हुआ इसमें खून की कमी हुई है, HB कम हो गया, लेकिन वहीं अगर खून किसी का बढ़ जाए, शरीर में ज़्यादा खून बनना भी एक बीमारी है, तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, इंक्रीज RBC काउंट कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। ब्लड बैंक की बात करें तो वो स्प्लीन को बताया जाता है, शायद आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज आपको पता लग गया होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल इज RBC, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये इसका मतलब है कहने का नॉन न्यूक्लिएटेड। RBC प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, जो RBCs हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। रिवर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ब्लड। उसके बाद है नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 250 mg। देखो कई किसी जगह आपको 200 भी मिल जाएगा, किसी जगह 250 mg पर डीएल, अलग अलग इसकी रेंज रहती है, तो 200 तक जो है वो कोलेस्ट्रॉल का आप एक नॉर्मल वैल्यू मान सकते हो, 200 mg पर डीएल, आप इसको यहाँ पे 200 भी लिख सकते हो, अगर आपको ये गलत लग रहा है तो आप इसको 200 भी कर सकते हो। आपको बुक्स में कई बार ये अलग अलग रेंज मिल जाती है, जब हम बुक्स देखते हैं तो रेंज अलग अलग होती है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इनको आप चाहे नोट्स बना लो, चाहे आप इसको सेव करके रख लो आगे के लिए ताकि आपके काम आ जाए, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्मल जो हमारे बॉडी सिस्टम में नंबर्स होते हैं वो सब बताए गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये, हमें पता भी होनी चाहिए। और एक और बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो।